नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UK वीडियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तिलापिया किस्म की मछलियों के पालन संबंधी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में व्यावसायिक पैमाने पर तिलापिया किस्म की मछलियों का पालन शुरू किया गया है। तिलापिया किस्म की मछलियों के पालन के पीछे किसानों ने अपनी रुचि दिखाई है और उनकी बढ़ती रुचि का कारण यह है कि इनके पालन का खर्चा काफ़ी कम है और इन मछलियों की प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा है। तीसरा कारण है कि इस किस्म की मछलियों की अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में निर्यात की भारी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार तेजी से बढ़ने वाली तिलापिया किस्म की मछली का पालन विश्व के 85 देशों में किया जा रहा है और विभिन्न देशों में इसके पालन में तेजी भी दर्ज की गई है। तिलापिया की कुल 70 किस्में पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिनमें से 9 प्रजातियों का व्यावसायिक पालन किया जाता है। जिन 9 प्रजातियों का व्यावसायिक पालन किया जाता है उनमें से मोजाम्बिक तिलापिया, नीली तिलापिया, नाइल तिलापिया, जंजीबार तिलापिया और लाल बेली तिलापिया प्रमुख हैं। अगर हम तिलापिया मछली के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और ऊर्जा पाई जाती है, साथ ही इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, सोडियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि लोग इस मछली के प्रति अपनी रुचि को दिखा रहे हैं और उनके द्वारा ये मछली काफ़ी पसंद की जा रही है, जिस कारण इस मछली के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके पालन में लोग रुचि दिखाने लगे हैं। तिलापिया किस्म की मछली उथले जल में रहना पसंद करती है और ये मछली सर्वभक्षी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी तीव्र प्रजनन क्षमता। 5 से 6 माह में ही लैंगिक रूप से यह परिपक्व हो जाती है। मादा की अगर प्रजनन क्षमता की बात करें तो वो उसके शरीर के भार के अनुरूप होती है। उदाहरण के तौर पर अगर 100 ग्राम वजन वाली तिलापिया मछली है तो वो करीब 100 अंडे देती है, जबकि 100 ग्राम से 600 ग्राम वजन की अगर मादा है तो वो 1000 से 1500 तक अंडे भी दे देती है। और जो नाइल तिलापिया प्रजाति होती है उसकी मछली 10 साल तक जीवित रह सकती है और उसका वजन 5 किलो तक हो सकता। अब आपको बताते हैं कि कैसी जगह पर इस तरह की मछली का जो है पालन किया जा सकता है। तो विशेषज्ञ बताते हैं कि छिछले पानी में रहने के कारण किसान इस तरह की मछली का पालन धान के खेतों में भी आसानी से कर सकते हैं। तालाब में अगर मोनोसेक्स का पालन किया जाता है और नियमित रूप से आहार के साथ ही पूरक आहार दिया जाता है तो 1 हेक्टेयर के तालाब में 1 साल में इसका उत्पादन 8000 किलोग्राम तक हो सकता है। तिलापिया का पालन बाकी अन्य देसी मछलियों के साथ भी आसानी से किया जा सकता है, साथ ही पिंजरा में भी इसका पालन जो है किया जा सकता है। और इसको पालने की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि तिलापिया मछली एशियाई देशों का मौसम और पर्यावरण स्थितियों के अनुकूल है और तिलापिया दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली मछली है, लेकिन भारत में इसका व्यावसायिक जो पालन है वो सीमित है। 1959 में फिशरीज रिसर्च कमेटी ऑफ इंडिया ने इस मछली के पालन पर रोक लगा दी थी, लेकिन वर्तमान में ये रोक जो है हटा दी गई है। तो इसकी तेजी से वृद्धि करने की जो विशेषता है उसी कारण मछली पालकों और ग्राहकों में इसकी उच्च मांग है। तिलापिया किस्म की मछली प्रकृति में सर्वाहारी है और फाइटोप्लैंक्टोन, जलीय पौधे और कमजोर जीवों को ये खाती है। इसकी फीड बनावटी और फ्लोटिंग होती है। स्थानीय किसानों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इस तरह की मछली की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी जो बीमारी रोधक गुणवत्ता है उस वजह से इसकी मांग में वृद्धि दर्ज की जा रही है। और इस तरह की जो मछली है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है और इसमें प्राकृतिक भोजन खाने की क्षमता
होती है। अगर हम बात करें नाइल तिलापिया की, तो ये एक उष्णकटिबंधीय प्रजाति है और उथले जल में रहना पसंद करती है। 5 से 6 महीनों में तालाब में ये लैंगिक परिपक्वता तक पहुंच जाती है और जब जल का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो ये अंडे देना शुरू कर देती है और अपने अंडों को ये पहले मुंह में सेती है, उसके बाद बच्चों को सेती है जब तक कि जर्दी की थैली सूख नहीं जाती। तिलापिया की जनसंख्या में मादाओं की तुलना में नर तेजी से और अधिक आकार में बढ़ते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि तिलापिया की पालन प्रणालियाँ क्या हैं। तिलापिया का जो पालन है वो ग्रामीण जीविका से लेकर के बड़े पैमाने तक किया जा सकता है। ये इसके प्रबंधन के काम में लगे लोगों की संख्या पे डिपेंड करता है। अब इसे पालने की क्या क्या प्रणालियाँ हैं? जल आधारित प्रणाली है और आपकी भूमि आधारित प्रणाली है। तो जल आधारित प्रणाली में आता है पिंजरा पालन या केज पालन जिसे कहा जाता है। तिलापिया का जो केज पालन है ये अधिक प्रजनन की समस्या से बचाता है क्योंकि अंडे केज जाली से गिर जाते हैं। दूसरा इसका जो सबसे प्रमुख लाभ है वो ये होता है कि पालकों के लिए जहाँ केज रखे जाने होते हैं वो जल निकाय स्वयं का होना ज़रूरी नहीं होता है और जो ये मछली होती है वो अपना अधिकांश पोषण चारों ओर के जल से ले लेती है, तो उन्हें अनुपूरक आहार भी जो है खिलाया जा सकता है। वहीं जो भूमि आधारित प्रणालियाँ हैं उनमें आपके प्रमुख हैं तालाब और सघन टैंक। तालाब का सबसे मुख्य लाभ होता है कि निषेचन के जरिए बहुत सस्ते में मछली को बड़ा किया जा सकता है और तिलापिया पालन के लिए कई विभिन्न प्रकार के तालाबों का जो है उपयोग किया जा सकता है। सबसे बड़े पैमाने पर इन्हें निम्न लागत वाले तालाबों में पाला जाता है और सघन टैंक में पालने के लिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होता है कि अत्यधिक प्रजनन की समस्याओं से ये बचाता है क्योंकि नर के पास जो है अपना अलग क्षेत्र बसाने के लिए जगह नहीं होती है और गुरुत्वीय प्रवाह या पंप के जरिए निरंतर जल की आपूर्ति मांगता है। तो जो मतलब टैंक होता है उसमें जल जो है प्रत्येक 1 से 2 घंटे में बदला जाता है। भारत में यदि तिलापिया का पालन की बात की जाए तो खाली आलों जैसे कि तालाबों और जलाशयों को भरने के दृष्टिकोण से सन 1952 में इसे शुरू किया गया था। कुछ वर्षों के अंदर ये प्रजाति अपनी प्रजनन क्षमता और विस्तृत श्रेणी के कारण संपूर्ण देश में फैल गई और इनकी वजह से जो बाकी की अन्य जलाशय और झील हैं जैसे कि तमिलनाडु में वाईगई हो गया, पंबर जलाशय हो गया, केरल का पोथंडी मीनकरा और राजस्थान की जैसमन झील की मात्स्यिकी को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इनकी वजह से जो कुछ अन्य मत्स्य प्रजातियां थी जैसे कॉर्प वगैरह जो है और महासीर जैसी प्रजातियों पर खतरा मंडरा गया जो कि आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसी वजह से भारत की मात्स्यिकी अनुसंधान समिति ने इसके प्रसार पर 1959 में प्रतिबंध लगा दिया था। फिर उसके बाद नाइल तिलापिया की शुरुआत भारत में 1970 के अंतिम दौर में की गई थी। 2005 में यमुना नदी में नाइल तिलापिया की प्रजाति को सिर्फ नगण्य मात्रा में आश्रय दिया गया था लेकिन 2 वर्षों के अंदर ही इनका अनुपात नदी में कुल मछली प्रजातियों का लगभग 3.5% हो गया था और अब इनमें जो लगाया गया प्रतिबंध था वो भी हटा दिया गया है। तो आज के टाइम में जो है तिलापिया मछली का काफ़ी मांग है क्योंकि ये प्रजनन क्षमता इनकी ज़्यादा है और लागत इनमें कम है। भारत में तिलापिया पालन की क्षमता की अगर हम बात करें तो हमारी जो मत्स्य प्रणाली है वो तिलापिया का स्थान उसमें लाभदायक है क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका जो पालन है वो किफ़ायती होने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल भी होता है। तिलापिया का मोनोसेक्स पालन नरों के बड़े और अधिक एक समान आकार के और तीव्र वृद्धि के कारण लाभदायक है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप इसका पालन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले पंजीकरण कराना जो है ज़रूरी है। जो भी किसान तिलापिया पालन शुरू करना चाहते हैं अनुमति के लिए निर्धारण प्रपत्र में राज्य मात्स्यिकी जो विभाग है वहाँ पे उन्हें आवेदन करना होगा और इसका स्थापन ऐसी जगह पे किया जाना चाहिए जैसे कि जो खुले जल निकाय हैं वहाँ पे प्लायन से बचने के लिए फॉर्म ऐसे स्थान पर स्थित होना चाहिए जो बाढ़ संभावित क्षेत्र या घोषित सेंचुरी के आसपास बफर जोन या जैव रिजर्व या अन्य संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
और साथ ही हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।